सानिहा 9 मई के 12 केसेस में पीटीआर रहनुमाओं के वारंट जारी कर दिए गए। वजीर आला केपी अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। शिबली फराज, मुराद सईद, सरताज गुल, शेरी मजारी, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल के वारंट जारी किए गए। मुसर्रत जमशेद चीमा, अकरम साही और बशारत राजा के वारंट भी जारी किए गए हैं। कैसर शहराजी से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी कैसर शहराजी, आगाह कीजिएगा। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की खसूसी अदालत के जज मलक आसफ इजाज ने सानिया 9 मई के 12 मुकदमात में तहरीक इंसाफ के 29 रहनुमाओं के मजमू तौर पर आज वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और इनके जो बाकी मरकजी कादीन हैं मैडम शीरी मिजारी, साबिक वजीर कानून बशारत राजा, शिबली फराज इनके भी और इसके अलावा मुसर्रत जमशेद चीमा, शहबाज गिल के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और आज जो है वो 6 थानों की जो पुलिस है वो आज अदालत में पेश हुई। उन्होंने कहा कि इन 9 मई के हवाले से जो मुकदमात हैं उनके हतमी फाइनल चलान जो है वो तैयार कर रहे हैं और इन रहनुमाओं की गिरफ्तारी जरूरी है, तो हमें इनके वारंट गिरफ्तारी दिए जाए। ये दानिश्ता रूपोश है और ये तफ्तीश में शामिल नहीं कर रहे। अदालत ने ये दरख्वास्त मंजूर कर ली और इन तमाम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस राय ने ये बताया कि इन जिन 29 रहनुमाओं की हमने वारंट गिरफ्तारी हासिल की है उनकी आज रात से गिरफ्तारियों का जो है नया सिलसिला शुरू किया जाएगा, जबकि तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के जो रहनुमा है उनका कहना है कि हमने ये जिन कैदीन के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उनकी मुसद्दका नकुल हासिल करने के लिए अब अप्लाई कर दिया, कल हमें सुबह उनकी कापियां मिल जाएंगी, जिसके बाद इन तमाम रहनुमाओं की बुध के दिन से या जुमेरात के दिन से हम अदालत में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर शहराजी।